फिल्मी दुनिया ही नहीं लेकिन नॉन फिल्मी रेगुलर नॉर्मल दुनिया में भी अगर आप सफल हैं और आप अपनी जिंदगी से खुश हैं तो आपसे जलने वाले हजारों लाखों लोग होते हैं। लोगों को आपके चेहरे पर मुस्कुराहट सहन नहीं होती, ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। लता मंगेशकर 1960s में अपने करियर के पीक पर थी, उसी दौरान उनको किसी ने स्लो पॉइजन देने की कोशिश की थी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन था और ये भी बताऊंगा कि उस स्लो पॉइजन एपिसोड से रिकवर करने के बाद लता जी ने पहला गाना कौन सा गाया था। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विथ राहुल। की बात है, एक सुबह लता मंगेशकर उठी लाइक अ रेगुलर नॉर्मल वर्किंग डे रिकॉर्डिंग पर जाने के लिए, लेकिन उनको कुछ अनईजी महसूस हुआ, वो लेट गई। थोड़ी देर बाद वो फिर उठी और जो भी खाया पिया था वो सब बाहर निकल आया। लता मंगेशकर को वॉमिट करने के बाद बहुत ही कमजोरी महसूस हुई और वो बिस्तर पर कोलैप्स कर गई। अफरा तफरी मच गई, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया गया। डॉक्टर साहब घर पर आए, उनको कुछ शक हुआ। डॉक्टर ने यह कहा कि लता जी को कोई स्लो पॉइजन देने की कोशिश कर रहा है। यह सुनना था और लता जी की बहन उषा मंगेशकर जी तुरंत किचन में गईं और जो नौकर चाकर थे उनसे कहा कि आज से दीदी का खाना मैं बनाऊंगी, कोई भी दीदी को कुछ भी बनाकर नहीं परोसेगा। आप बिलीव नहीं करेंगे उसके बाद क्या हुआ। लता जी के घर पे एक खाना बनाने वाले महाराज थे, उन्होंने अपनी सैलरी जो बकाया थी वो कलेक्ट भी नहीं की, वो तुरंत ही घर से किसी को बिना बोले खिसक लिए। और इस बात से मंगेशकर परिवार ने ये कंक्लूजन निकाला, ये अंदाजा लगाया कि ये आदमी लता जी को स्लो पॉइजन दे रहा था खाने में। एक मामूली खाना बनाने वाला किसी को जहर नहीं देगा। ये बात तो तय थी कि लता जी को जो स्लो पॉइजन दिया जा रहा था उसके पीछे कोई और था, लेकिन वो पीछे कौन था ये पता नहीं चला। किसने दिया ये पता लग गया, वो खाना बनाने वाला महाराज जो नौकरी छोड़कर भाग गया। ये स्लो पॉइजन वाला एपिसोड लता जी की जिंदगी के 3 महीना जाया कर गया। 3 महीने तक लता मंगेशकर बेड रिडन थी। वो एक बीमार को दिए जाने वाले सादा ब्लैंड फूड को ही खाती थी, ऐसा खाना जो एक मरीज को दिया जाता है जिसका पाचन बहुत खराब हो, बहुत कमजोर हो, वैसा खाना लता मंगेशकर जी 3 महीने तक खाती रही। लेकिन लता मंगेशकर अकेले ही वो बीमारों वाला खाना नहीं खाती थी, उनका साथ देने हर शाम मजरू सुल्तानपुरी आ जाते थे जो लता जी के साथ शाम बिताते थे, उनको कहानियां सुनाते थे, उनको पोइट्री सुनाते थे और लता जी को दिया गया जो सादा भोजन था वैसा ही भोजन मजरू साहब भी खाते थे। मजरू सुल्तानपुरी साहब भी क्या कमाल के आदमी थे, दिन भर वो अपना काम करते थे, स्टूडियोज में रहते थे, गीत लिखते थे और शाम को बिना चूके लता मंगेशकर जी के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि लता मंगेशकर नीडेड कंपनी। ये बात मजरू साहब समझते थे, किसी भी बीमार को अगर आप हंसा सकें या उसका दिल बहला सकें तो उसकी रिकवरी अच्छी होती है, ये बात भी मजरू साहब जानते थे। तो सोचिए 3 महीने तक वो ये काम करते रहे। हमारे जब दोस्त बीमार पड़ते हैं तो हम एक आधा दिन उनके पास चले जाते हैं और फिर फोन से उनसे बात कर लेते हैं, लेकिन मजरू साहब ने ऐसा नहीं किया। आई मीन व्हाट अ जेस्चर, इजंट इट। 1960s वो वक्त था जब लता मंगेशकर जी की आवाज को ध्यान में रख के गाने कंपोज किए जाते थे, फिल्म मेकर्स उनके साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए बेताब रहते थे। तो लता मंगेशकर की 3 महीना तबीयत खराब ने सबका स्केड्यूल बिगाड़ दिया। अब लोगों ने फोन करना शुरू किया कि आप कब ठीक हो रही हैं और कब रिकॉर्ड करने आ रही हैं। लता जी को 3 महीने लग गए अपनी बीमारी से रिकवर करने में और 3 महीने बाद जब उन्होंने पहला गाना रिकॉर्ड किया उसके पीछे भी एक छोटी कहानी है।
हेमंत कुमार साहब की एक फिल्म थी 20 साल बाद, सुपर डुपर हिट फिल्म। फिल्म तो हिट थी ही, उसका म्यूजिक भी हिट था। हेमंत कुमार साहब की फिल्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 साल बाद के हेमंत कुमार प्रोड्यूसर भी थे और म्यूजिक डायरेक्टर भी। हेमंत कुमार साहब इतने ज्यादा बेचैन हो गए कि वो लता जी के घर पर ही आ गए। हेमंत कुमार साहब ने लता जी के घर आके लता जी की माँ से रिक्वेस्ट की कि मैं लता को एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए लेके जाना चाहता हूँ, अगर लता को कमजोरी महसूस होती है गाने के दौरान तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद लता को वापस घर लेके आ जाऊँगा। इस तरह लता मंगेशकर 3 महीने बाद अपने घर से बाहर निकली, हेमंत कुमार साहब के साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो गई और उन्होंने 20 साल बाद के लिए वो गाना रिकॉर्ड किया जिसकी वजह से उन्हें फाइनली एक फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। गाना था कहीं दीप जले कहीं दिल। यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा कहीं दीप जले कहीं दिल के लिरिसिस्ट का भी, शकील बदायूनी साहब, जिनको इस गाने को लिखने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। हेमंत कुमार साहब को 20 साल बाद का म्यूजिक कंपोज करने के लिए फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला था लेकिन वो उस साल अवार्ड नहीं जीत पाए। आज लता मंगेशकर जी के बारे में बात कर रहा हूं तो आपको ये बता दूं कि आपने लता मंगेशकर की वो फेमस फाइट सुनी होगी राज कपूर साहब के साथ रॉयल्टी को लेकर, उसके बाद रफ़ी साहब के साथ भी उनकी कुछ कहा सुनी हो गई थी। लेकिन लता मंगेशकर जी की लाइफ में कुछ बहुत ही बेहतरीन दोस्त भी बने, फॉर एग्जांपल मजरू सुल्तानपुरी, फॉर एग्जांपल हेमंत कुमार। और एक बात बताता हूँ, उनके एक बहुत ही ख़ास दोस्त थे ऋषिकेश मुखर्जी। इसलिए कह रहा हूँ ये बात क्योंकि लता मंगेशकर जी ने ऋषिकेश मुखर्जी की किसी भी फिल्म के लिए गाना गाते वक्त 1 रुपया भी नहीं लिया ऋषिकेश मुखर्जी से। यस, जब ऋषिकेश मुखर्जी की बात हो ही रही है तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो जरूर देखें अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बना के रखिए चाहे दूसरों के दिलों में कितने ही सांप लौटें। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी। टाटा।